ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਲੈਟਸ ਟਾਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਦੁਵੇਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਵੀਕ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2010 ਮੇਂ ਸਪਟੰਬਰ ਮੇਂ ਜੋ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਰਡਨ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਜੋਲੂਸ਼ਨ UNO ਮੇਂ ਮੂਵ ਕੀਆ ਥਾ, ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਪਾਸਡ ਇਨ 2010 ਇਨ ਅਕਟੂਬਰ, ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਦ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਫੈਬਰਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਜ ਦ ਵੀਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵੀਕ। ਇਸਕਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ UN ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਪੜੀ ਇਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਥ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਮੇਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਜਬ ਅਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਫ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਰ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਲਾਟ ਆਫ ਕੋਨਫਲਿਕਟਸ and lot of problems related with them. That's why it was decided that if we bring this kind of a movement, then people will cultivate culture of peace, respect, love and understanding for each other, and that is the only way to bring total peace on earth. Wonderful. So Dwivedi sahab, aapko lamba sama ho gaya Hindu dharm ke bare mein aur baki dharmon ke bhi aap interfaith functions mein jaate hain. जैसे आपने कहा कि ये जो हफ्ता है इसको डेडिकेट किया गया कि इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, पीस जो है वो आना चाहिए, क्या एक हफ्ता साल में मनाने के साथ क्या कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है लोगों की मानसिकता में? ऐसा है कि एक हफ्ता तो ये मेजर है, वी हैव टू इंटरफेथ के जो फेथ और इंटरफेथ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे हैव टू इन्हांस एंड मेक द प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर द होल ईयर, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे हैव टू इवेल्युएट देमसेल्व्स दैट वेल हाउ मच दे हैव अटेंड आर अचीव्ड स्पेशली इन देयर प्रोजेक्ट्स, और जब इसलिए दिस प्लेटफॉर्म दैट इज हैज बीन प्रोवाइडेड सो पीपुल यू एक्टिवेट या इफ द मोर इम्पेरेटिव नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिससे कि ज़्यादा और ज़्यादा लोग अपने इसके बारे में सोचें, एक दूसरे की सद्भावना मैत्रीपूर्ण व्यवहार जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम हर एक धर्म अपने धर्म के बारे में बात करें बहुत अच्छी बात जी, किंतु जब हम दूसरे धर्म की तुलना करते हैं या उनकी खामियां या उनकी कमियां निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे थोड़ा हैट्रेड है, घृणा है और नफरत बढ़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरे को एक दूसरे वी शुड कोऑपरेट, वी शुड हैव good understanding of each other, we should try to know each other very well, or else most of the time we are carrying all the traditions, the stereotype of beliefs and traditions. तो इसलिए ज़रूरी कि जब हम एक दूसरे बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, एंड स्पेशली वी शुड इंगेज, वी शुड हैव ए डायलॉग विद द अदर पीपल ऑफ अदर फेथ्स एंड रिलीजियंस। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं पिछले सालों से, चार साल पाँच साल से ये हम लोगों ने 2011 से हमने ये इंटरफेथ शुरू किया, पर मेरा मूवमेंट में करीबन 40 वर्षों से कैनेडा में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, अब धीरे धीरे ये सद्भावना एटमॉस्फेयर बन रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है, लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं इसकी आवश्यकता है कि एक दूसरे को हम समझें, जानने की कोशिश करें और मिल करके, जब तक कार्य नहीं को एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, जब पीस के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्य करती है तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। जब हम सब कम्युनिटी के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, विभिन्न फेथ के लोग हैं, विभिन्न कल्चर के हैं, एथनिक बैकग्राउंड है, जब हम कोशिश मिल करके करते हैं तो आपस में हमारी सद्भावना, मैत्री, तालमेल बढ़ता है, और साथ ही साथ हम उस कोई भी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, काम करते हैं, उसका जो रिजल्ट होगा, फल होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो पिछले समय के दौरान आपने क्या किया है, पिछले चार पाँच सालों में क्या किया है? हम इस हफ्ते जैसे कि हम एक वो
लोगों को बुलाते हैं। हमारे इस बार हम लोग फरवरी 6 को कर रहे हैं, नॉर्थ यूनाइटेड चर्च है 88 और 156 पे स्ट्रीट पे सरी पे, उस जो है हमारा चर्च है उसमें 12 धर्म के प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं जी, जो पीस के बारे में बोलेंगे, नेविगेट पीस थ्रू रिलीजन, दैट इज़ द थीम। तो हर एक जो धर्म वाला है वो जो माने हम लोगों ने बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, इस्लाम हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बहाई हैं, जुडाइज्म है, हर एक धर्म के लोग 12 धर्म की प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो वो हर एक अपने उनके क्या अनुभव हैं, उनका धर्म क्या कहता है, और उस धर्म के माध्यम से हम विश्व में शांति है, हारमोनी है, किस तरह ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद होता है कि लोग जो पब्लिक आती है, लोग कांग्रीगेशन में लोग रहते हैं, वो उन्हें प्रश्न करने के सवाल उठाने का मौका मिलता है किसी से, एक व्यक्ति विशेष से या पूरा जो ग्रुप है उसको वो एड्रेस करके सवाल करते हैं। फिर हम लोग ग्रुप में बैठ करके एक दूसरे से बैठ करके, जैसे हम लोगों ने 8-10 लोगों का ग्रुप बना लिया और फिर हर एक बात अपने अनुभव, व्हाट आर माई एक्सपीरियंस, आपके अनुभव क्या है, तो एक दूसरे के अनुभव के आधार पर फिर हम सोचते हैं कि दोज विच आर द इशूज, हाँ कॉमन इशूज है, डाइवर्सिटी इज द पार्ट ऑफ नेचर, है ना, इट इज गोइंग टू बी देयर, बट वी हैव विद इन द डाइवर्सिटी वी हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर। और इसलिए जो कॉमन इशूज हैं तो ये इसका हुआ कि बेस्ड अपॉन है कि इस ये जो शुरू हुआ था, जो पायनियरिंग वर्क किया था, कॉमन वर्ड इनिशिएटिव, ये शुरू हुआ दो फेथ को लेकर, इस मुस्लिम्स और क्रिश्चियन लोगों के, दे आस्क द लीडर्स टू कम एंड हैव टू डायलॉग विद ईच अदर बेस्ड अपॉन द जो कमांडमेंट्स ऑफ देयर रिलीजन्स, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ नेबर। नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड, वी हैव एक्सटेंडेड दिस थिंग, लव फॉर ऑल, राइट, रिगार्डलेस ऑफ पर्सन का एथनिक आर रेशियल बैकग्राउंड आर नेशनलिटी आर एनीथिंग, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल। बहुत अच्छी बात है कि ये सोच सब में आए, लेकिन अफसोस ये है कि 21वीं सदी में हम जब रहते हैं तो हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम के ऊपर जो मारकाट चल रही है कि हमारा मजहब जो है यही ठीक है, तो वो लोग जो हैं चाहे मुट्ठी भर हों लेकिन उन्होंने आज काबू किया हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर, अपनी सोच का आतंक हावी हो रहे हैं, आतंक जो है फैलाया जा रहा है। अब ऐसी सोच जब बढ़ रही हो, एक आम व्यक्ति जो है वो भी घबराता है और वो समझता है कि हम लोग क्यों नहीं इनको पकड़ सक रहे, क्या ये जो सोच है इसके बारे में कुछ डिस्कशंस वगैरह होती है? नहीं, ये क्यों नहीं, इस पर चर्चा भी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग कई कॉन्फ्रेंसेस थे, कई सेशंस थे जिस पर इन लोगों इस विषय पर चर्चा हुई। देखिए ये चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ जो ब्लैक शीप्स हैं और जो बिखरे दिमाग के लोग हैं वो तो रहेंगे, उनको कम्प्लीटली तो हम, किंतु ये कोशिश ये है कि किस तरह हम कम से कम करें, किस तरह हम लोगों में ये भावना पैदा करें, स्पेशली ज़रूरत है यंग जनरेशन जो हमारी है, यंग जनरेशन की जो सोच है, मानसिकता है, थिंकिंग, जो माइंड सेटअप है उनका, उनमें जब तक हम अच्छे विचार हम अपने परिवारों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, उनमें ऐसे विचार उत्पन्न करें कि जिससे कि लोगों में दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, सद्भावना की भावना हो, तो ये इस तरह के कार्य हो रहे हैं, पर इन सब चीज़ों में समय लगेगा और ये ऐसा नहीं कि आप स्विच करें ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ हो जाए, समय लग रहा है, पर तो कोशिशें जारी हैं, सभी लोग सोच रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, सभी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा एटमॉस्फियर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें लोगों को ऐसा फील हो कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इसके द्वारा हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, एक फ्रीडम है, जस्टिस हो सभी को, इसके बाद माने टॉलरेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तभी एक अच्छा तो धर्म यही बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या होता है या नहीं एक और अलग सवाल है। लेकिन आपने बच्चों की जो बात की, इन प्रोग्राम्स में क्या बच्चों की शमूलियत की भी कोशिश की जाती है? बच्चे आते हैं, शामिल किए जाते हैं, उनका भी वो रोल रहता है कई प्रोग्राम्स में कि बच्चे, अभी पिछले बार जो मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ उसमें बड़ी संख्या में
यंग लोग और साथ ही साथ लेडीज़, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इस हमारे जो इंटरफेथ की एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूथ लोगों को इस बार हम जैसे ये हम लोग फरवरी 6 को कर रहे हैं, हमने कोशिश की कि धर्म के जो प्रतिनिधि हों, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, वो यंग लोगों को बुलाया जाए, महिलाओं को बुलाया जाए, जिससे कि वो परिवार में जो वातावरण है सद्भावना का, प्रेम का, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव है। माताओं का, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है घर के भीतर बच्चों के संपर्क में, इसलिए उनका भी रोल, जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, यूथ्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। केवल हम ऊपर स्तर पर हम बात कर सकते हैं जी, परंतु अगर वास्तव में बदलना है लोगों को तो वो बदलना है परिवार से शुरू हुई, कम्युनिटी से हो, हमारे मंदिर और गुरुद्वारे मस्जिदों से शुरुआत हो उसकी, और वो वातावरण हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, केवल लीडरों की ही जिम्मेदारी या आपके जो टीवी या मीडिया वाले हैं उनकी ही नहीं, हर एक व्यक्ति ये सोचे कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग द पीस एंड रिमूविंग एलिमिनेटिंग इनजस्टिस है, इनटॉलरेंस है, हैट्रेड है। बिल्कुल जी, हर घर से ये बात शुरू होगी और तभी ये परिवर्तन जिसको हम चाहते हैं वो आएगा। आखिर में ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम में आना चाहता है तो कहाँ पर संपर्क किया जाए? ये आप, मेरा नंबर है 604-507-3099, इस आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल है srinath3099@gmail.com, और ये कार्यक्रम फरवरी 6 को है, नॉर्थवुड यूनाइटेड चर्च है सरी में, उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इट इज़ ओपन टू ऑल। कितने बजे होगा ये? 1 बजे से शुरू होगा, 1 से 4 बजे तक का कार्यक्रम है, और नाद फाउंडेशन के बच्चे आ रहे हैं जो अपना एक भजन और पीसफुल सॉन्ग है वो लोग प्रस्तुत करेंगे, और अमरजीत से मेरी बात हुई थी, ही एग्रीड टू ब्रिंग द पीपल, यंग पीपल लोग आएंगे उसमें भाग ले रहे हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव जी, और आज यही करते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग ऐसे प्रोग्राम्स में आएं और एक दूसरे की सद्भावना जो है बढ़े और कोऑपरेशन, शांति जो है कोऑपरेशन हो और हम आराम से जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपके आपकी जो आपका जो है टीवी है बड़े अच्छे कार्यक्रम कर रहा है, सद्भावना के, प्रेम के, आपस में मैत्री भाव सहयोग की कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, शुक्रिया, इसी तरह you. आप काम करते रहें। Thank you. धन्यवाद, नमस्कार।